हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज गए हैं अभी और आज का दिन है मंडे। और अभी जो है इस वाले बेड को मैं ठीक कर ले रही हूँ। और बेडशीट मैंने डाल दी है इसके धोने के लिए, पिलो को अभी निकाल लिए है और दूसरी बेडशीट मुझे अभी बिछानी है तो मैं उसको बिछा लेती हूँ। और अभी खुशी तो फ्रेश होने के लिए गई है तो मैंने सोचा फिर ये वाला काम मैं अभी अपना कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह बिछा लूँगी, ये वाला बेड सेट कर दूंगी ना तो फिर घर मतलब रूम जो है ना सेट लगती है, पूरी ऑर्गेनाइज लगती है। सुबह सुबह ये वाला काम एक बार हो जाए ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है और रूम जो है ना एकदम ऑर्गेनाइज लगती है। और बाकी सारे घर का झाड़ू पोछा होता भी है, साफ सफाई भी हो जाती है ना, और बेड से होता ना तो फिर रूम जो है ना ठीक नहीं लगता, ऑर्गेनाइज नहीं लगता। और बाकी सब काम रह जाते हैं, झाड़ू पोछा सफाई रह जाती है और पेड़ हम ठीक कर लेते हैं ना एक बार तो ऐसा लगता है कि हमने आधा काम कर लिया है और रूम भी जो है ना ऑर्गेनाइज लगने लगती है। इस वाले रूम को तो मैं सुबह सुबह ठीक कर लेती हूँ लेकिन जो दूसरी रूम है ना मेरी, दूसरा बेड है, तो वो उसको नहीं कर सकती क्योंकि उधर ऋषभ सोया हुआ होता है और जब वो उठते हैं ना दोनों भी, ऋषभ के डैडी और ऋषभ दोनों भी, तो मुझे किचन में काम होती है तो वो वाले रूम है ना लास्ट में ही करनी पड़ती है मुझे। लेकिन जब भी दोनों रूम के बेड में सुबह ठीक कर लेती हूँ ना तो काम भी हल्का लगता है मुझे और रूम भी ना ऑर्गेनाइज लगते हैं, बिल्कुल प्रेशर लगता नहीं है दोनों रूम ठीक करने का, साफ सफाई करने का, क्योंकि बेड ठीक होते हैं ना तो वैसे भी आधा काम हो जाता है। तो चलिए, बेडशीट मैंने बिछा ली है और अभी पिलो कवर भी बिछा लेते हैं। और झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था, खुशी पढ़ाई कर रही थी इस वजह से फिर ये वाले बेड को मैं मतलब कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन झाड़ू पोछा मैंने तीनों रूम का कर लिया था सुबह ही। और देखिए, रूम वगैरह ठीक ठाक करने के बाद मतलब अभी बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ और ये वाली जो भिंडी है ना मैंने रात में कट करके रखी थी, मतलब मैं करके नहीं रखती हूँ रात में कट, लेकिन रात में ऋषभ को भिंडी की सब्जी खानी थी तो मैंने फिर सारी भिंडी कट कर ली थी और आधी भिंडी उसको बना दी थी और आधी भिंडी सुबह के लिए रख दी थी। मैं सोचा हाथ में ले ही लिया है, मतलब भिंडी काटने को ले ली है तो फिर पूरी कट कर लेती हूँ। वैसे सब्जियाँ ना रात में या पहले कट करके रखनी नहीं चाहिए, जब बनाते हैं तभी सब्जियाँ कट करनी चाहिए क्योंकि सब्जियों में से जो सारे पोषक तत्व होते हैं ना वो निकल जाते हैं अगर हम पहले से ही कट करके रखते हैं तो। कोई कोई पूरे वीक की सब्जियाँ कट करके रखते हैं, उनको टाइम नहीं होता है, बाहर जाना होता है, काम पर जाना होता है, जॉब पर जाना होता है, इस वजह से भी करते होंगे, लेकिन सब्जियाँ कट करने को ना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 मिनट में 10 मिनट में सब्जियाँ कट हो जाती है। हाँ, बाकी दूसरी और प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, उससे भी बहुत काम आसान हो जाते हैं, दूसरे कोई काम होते हैं ना वो उसको पहले से करके रख सकते हैं, लेकिन सब्जियाँ कट करके रखना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे सेहत का सवाल होता है ये। तो देखिए, यहाँ पर भिंडी फ्राई हो गई है मेरी, भिंडी को साइड में रख दिया मैंने और इस वाले गैस पर मैंने मेथी की सब्जी बना ली है। और मेथी सब्जी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए चाय बना ली है, इनके लिए उड़ गए थे ये तो इनके लिए चाय बना दी और थोड़ी सी बच गई थी तो फिर मैं ले लूँगी वो। और अभी देखिए आटा गूंद लेते हैं, मुझे बना रहे हैं अभी चीज़ के पराठे, तो चीज़ के पराठे बनाने के लिए मैंने आटे में नमक डाल दिया है, तेल डाल दिया है और थोड़ा सा ना मैंने मैदा डाल दिया है। थोड़ा सा आटे में मैदा डाल देते हैं ना तो चीज़ के पराठे जो है ना फटते नहीं है क्योंकि चीज़ के पराठे फटने का थोड़ा सा डर रहता है, तो मैदा डाल देते हैं तो ठीक रहता है। तो देखिए, मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है और अभी यहाँ पर देखिए कुकर लगा रही हूँ, कुकर में मैंने दाल लगाई है तो दाल का कुकर लगा लूंगी यहाँ पर। और भिंडी जो है ना साइड की गैस पर है और वो अभी ना आराम से बनती रहेगी, उसको अभी 20-25 मिनट और लग जाएंगे, क्रंची बनानी होती है मुझे, ऋषभ ऐसी खाता नहीं है, थोड़ी भी चिपचिपी होती है ना तो वो खाता नहीं है, इस वजह अच्छे से क्रंची बनाती हूँ मैं भिंडी। तो देखिए, मेरी भिंडी भी बन गई है, कुकर भी हो गया है, जो दाल का कुकर लगाया था ना तो वो भी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए मैं पराठे बना ले रही हूँ चीज़ के, तो चीज़ के पराठे बनाने के लिए मैंने आटे को थोड़ा सा बेल लिया है और रोटी जैसा, और उसको मैं पिज्ज़ा सॉस लगा रही हूँ उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर मैं चीज़ डाल दूंगी और उसके अच्छे से क्या कहते हैं उसको स्टफिंग डाल के अच्छे से उसको पैक कर लूँगी। और उसके बाद उसको थोड़ा हाथों से थपथपाऊंगी ताकि जो चीज़ है ना अच्छे से सेट हो जाए उसके अंदर, और उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथों से बेल लूंगी। जब भी चीज़ का पराठा बनाते हैं तो पराठे को हल्के हल्के हाथ से बेलना पड़ता है क्योंकि थोड़ा भी अगर कहीं फट जाता है ना तो वहीं पर से फिर चीज़ निकलना शुरू होता है और फिर चीज़ जो है ना पूरे तवे पर फैल जाता है, थोड़ी सी थोड़ा हल्का भी कट होता है तो उसमें से चीज़ बाहर निकल जाता है क्योंकि मेल्ट हो जाता है ना तो चीज़ जो है पतला हो जाता है। तो इस वजह से ही मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है आटे में, मैदा डाल लेते हैं ना तो आटा थोड़ा सा मतलब पतला भी बेलते हैं ना हम रोटी को तो फिर उतना फटता नहीं है मैदे की वजह से। तो देखिए, यहाँ पर एक पराठा मैंने बनाकर डाल दिया है तवे पर, पहले पराठे में मैंने पिज्ज़ा सॉस लगाया था और ये वाला जो पराठा है ना इसको सिंपल रख रही हूँ मैं, सिर्फ इसमें मैंने चीज़ डाली है और थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से ऐसे पैक करके ना बेल दूंगी अभी। और ये जो पराठे हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, पिज्ज़ा का ना एकदम हेल्दी ऑप्शन है ये, पिज़्ज़ा से कहीं पर भी टेस्ट में कम लगते नहीं है ये, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और मैदा डाला है मैंने लेकिन नहीं भी डालते हैं ना मैदा तो उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं इसलिए डालती हूँ कि पराठे जो है ना फटे नहीं मेरे, इस वजह से डालती हूँ। और आटा एकदम अच्छा होता है ना तो फिर तो डालने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर का जो आटा है ना तो थोड़ा सा मोटा आया है इस बार तो मुझे डालना ही पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया था मैंने, उसके बाद ही पराठे को बटर लगाया था, बटर में बहुत अच्छे बनते हैं पराठे ये, मतलब बटर में ही अच्छे बनते हैं, तेल में वगैरह इतने अच्छे नहीं लगेंगे ये। तो देखिए कितना अच्छा जो पराठा है मेरा वो बन गया है, अब मैं दूसरा वाला जो सिंपल पराठा है ना उसको भी बना लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे बैठे हैं बाहर, मैं अभी चीज़ के पराठे बना रही हूँ ना तो फटाफट ब्रश करके बैठ गए हैं दोनों भी, वैसे ना बहुत बोलना पड़ता है ऋषभ को तब ऋषभ जो है ना ब्रश करता है, लेकिन
चीज़ पराठे के नाम पर जल्दी से ब्रश कर लिया है उसने आज। और पराठा ना कोई सा भी हो, सब्जी का, पनीर का, चीज़ का, कोई भी पराठा होता है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे तो तीनों बच्चों को पराठे हर टाइप के पसंद आते हैं। जो भी सब्जी बच्चे खाते नहीं है ना, तो उसका पराठा बना के खिला दो, बच्चे खा लेते हैं। और ये तो चीज़ पराठा है, चीज़ पराठे पर तो बच्चे टूट पड़ते हैं और इतने मज़े से खाते हैं ना। और इनको ना ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है, जब वो पराठा तोड़ते हैं ना, तो उसमें से चीज़ जो खींचा जाता है ना, देखिए, तो उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ये बता बता कर खाते हैं, देख मेरा चीज़ कितना लंबा खींच रहा है, वो ऋषभ बता रहा है खुशी को, तो देखिए ऐसे बता बता के खा रहे हैं। तो चलिए बच्चों को अपने पराठे इंजॉय करने देते हैं। तो अभी देखिए 10:30 बज गए हैं अभी, और ऋषभ स्कूल में चला गया है, ऋषभ के डैडी भी अपने काम पर चले गए हैं, और खुशी जो है अपनी टीवी देख रही है। सुबह के काम कर लेती है अपने, वो झाड़ू वगैरह जो लगानी होती है ना उसको, जो भी सफाई वगैरह करनी होती है कर लेती है वो, और सुबह ना थोड़ी देर टीवी देख लेती है। और मैं यहाँ पर देखिए किचन को साफ कर ले रही हूँ थोड़ा सा, खाना वगैरह मेरा पूरा ही बन गया है, पराठे बना लिए और उसके बाद थोड़ी सी रोटियाँ बना ली थी, सब्जियाँ तो मैंने दोनों बना ली थी सुबह ही। और यहाँ पर देखिए काउंटर अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, और सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ यहाँ पर। और अभी थोड़े से बर्तन है तो फिर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और दाल भी बॉईल हो गई, मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी मैंने तो। और इस वाले कुकर में ना मैंने चावल लगाए हैं फिर से। और यहाँ पर देखिए दूध था कल का बहुत सारा बच गया था, तो उसका अब मैं यहाँ पे बासुंदी बनाने के लिए रख देती हूँ। जब दूध वाले भैया आते हैं ना, तब ऋषभ के डैडी जब घर पे होते हैं ना, तो दूध ज़्यादा ले लेते हैं। मुझे तो याद भी रहती नहीं है कि मुझे दूध ज़्यादा लेना है कम लेना है, जितना देते हैं ना उतना मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये जब भी होते हैं ना घर पे, तो एक्स्ट्रा दूध ले लेते हैं। तो देखिए दूध रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए, मतलब घोटने के लिए, बासुंदी बनाऊंगी उसकी। और थोड़े से बर्तन है सुबह के, तो फिर मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ सारे, मतलब जो डालने के थे ना मौसी को बर्तन, सारे बर्तन डाल दिए मैंने। और जो बर्तन धोने के हैं मुझे, तो मैं धो लेती हूँ। और अभी नहाई नहीं हूँ मैं, कल मैंने मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी लगाने के बाद सिंपल ही बाल धोए थे मैंने, अब ऐसे शैम्पू से नहीं धोए थे। जिस दिन मेहंदी लगाते हैं ना, तो उस दिन शैम्पू से बाल धोने नहीं होते, तो मैंने बिना शैम्पू के बाल धोए थे कल। और रात में फिर तेल लगा दिया था अच्छे से। तो देखिए फिर किचन साफ हो गया है मेरा, और अभी नहाने के लिए जाऊंगी मैं। और मुझे ना भूख लगी है अभी, लेकिन कहते हैं कि नहाने के पहले खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना खाने के 1 घंटे बाद तक ना नहाना नहीं चाहिए, खाना पचने में परेशानी होती है, इस वजह से फिर मैं ये नहाने के पहले खाती नहीं हूँ, और खा लेती हूँ ना तो उसके बाद फिर 1 घंटे तक नहाती नहीं हूँ। और अभी देखिए अभी 4:15 बज रहे हैं, और जब नहाने के लिए गई थी मैं, तब 11:15 बज रहे थे। तो नहाने के बाद फिर वैसे भी कुछ काम था नहीं मुझे, और वैसे भी जब मुझे ऐसे बाल वगैरह धोने होते ना, तो सारे काम करके नहाती हूँ ना मैं, तो उसके बाद कुछ काम करती भी नहीं हूँ, रिलैक्स करती हूँ एकदम, तो कुछ किया भी नहीं मैंने। तो अभी देखिए ऋषभ घर पर आ गया है, और खुशी जो है ना सो गई है, शाम में सो जाती है थोड़ा सा वो। और ऋषभ का खाना वगैरह खिलाने के बाद यहाँ पर उसके साथ में अभी ड्राइंग कर रही हूँ, मतलब दोनों का ना कंपटीशन लगा है ड्राइंग का, टैब में से देख देख कर हम दोनों ड्राइंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर इस रूम में आ गया है ऋषभ, उसको मतलब ड्राइंग करने से हो गया मन भर गया उसका, और उसके बाद उसको यहाँ पर टैब देखना था, तो उसके यहाँ पर टैब दे दिया है मैंने। और यहाँ पे जो ही उसके कपड़े वगैरह पड़े थे वो उठा लिए, और बेड को थोड़ा सा ठीक कर लिया है। अब यहाँ पे ऋषभ जो है अपना टैब देखेगा, और मैं देखिए यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, जो बासुंदी सुबह घोटने के लिए रखी थी मैंने, तो वो बन गई थी थोड़ी ही देर में। और इस वाली बासुंदी का कलर देखिए ब्राउन ब्राउन आया है, और इस बासुंदी को मैंने स्लो फ्लेम पर बहुत देर तक घोटा है ना, इस वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है, और सौंधी सौंधी भी लगती है खाने में। तो देखिए फ्रिज में रख दी है बासुंदी मैंने, तो जब शाम में खाएंगे बासुंदी तो फिर ठंडी ठंडी बासुंदी मिलेगी। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर पालक तोड़ लेती हूँ, शाम में मुझे पालक पनीर बनाना है, तो उसके लिए मैं पालक तोड़ के रख ले रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।